हेलो एवरीबॉडी एंड लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स अभी लास्ट वीडियो में आपने हमने डिस्कस किया मल्टीप्लाइड इंटीजर्स के बारे में। हमने इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे आप डिवाइडेशन इंटीजर्स में, तो वो हम कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम दिखाएंगे। फर्स्ट डिवाइडेशन में क्या करना है, आपको डिवाइड ही करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे करना है ये एक्सरसाइज आपको 1.3 एक्सरसाइज 1.3 इसको हम सॉल्व करेंगे और जो भी इसमें डिस्कशन हो रहा है वो आपके सामने ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द कैसे फाइंड करोगे आप, इसमें पार्ट है आपके फर्स्ट 45। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल ये साइन ये किसका है? ये सिंबल है आपका डिवाइड का। किसका है? डिवाइड का। ये -9। क्या है ये? -9। तो इसको हम ले सकते हैं हम 45 अपॉन -9। क्या करेंगे? 45 अपॉन -9। जब इसका डिवाइजन हम करेंगे क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। और हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? -9 से। -9 से डिवाइड किया है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है प्लस माइनस माइनस है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें अपनी नोटबुक में और समझें, तो बार बार इस वीडियो को देखें, जैसे कि तो मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये प्लस है तो माइनस आएगा, ये आप पहले बता चुका, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आप अभी मैं लिखूंगा, आप उनको सॉल्व करना। हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन है, इसमें पार्ट फर्स्ट में सॉल्व किया है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है, जैसे कि आप सॉल्व करें और अपने नोटबुक करें। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप प्रॉब्लम करता है तो वो डिस्कस करें अपने साथियों से या पेरेंट्स से, लेकिन नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें। इसमें कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो मैं अभी सॉल्व कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, प्रॉब्लम नहीं आए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है ये? -5 525 यानी कि -5525 डिवाइडेशन -221। ओके तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर बताया -5525 अपॉन -1221। ओके अब हम क्या करते हैं, मैंने सिंबल्स के बारे में बताया, अब ये माइनस माइनस तो यहीं पे क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो गया 5525 अपॉन 221। इसको हम डिवाइडेशन करेंगे तो डिवाइड 5525221। तो कैसे करेंगे इसको हम, टू टाइम टू टू जा वन जा टू, टू टू जा फोर और टू टू जा फोर, 0 1 1 5। ओके
अब ये आएगा 5, 5 5 5 10, 5 10 और 1 11, कुछ सोचा? नो, क्या आया? 25, इसको हम क्या आएगा इसका? 25। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ये टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको नोट कर लो, इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर टू आप देखें, और फोकस आपका व्हाइट बोर्ड भी होना चाहिए, ओनली व्हाइट बोर्ड। और आपके जो ईयर्स हैं, आप जो सुन रहे हैं, वो मेरी वॉइस को ही ज्यादा सुने, ये नहीं दर्शित। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सिंपलीफाई, सिंपलीफाई हमें सॉल्व करना है ना, नहीं सरल करो उसको। तो फर्स्ट -49 7, और ये आपका डिवाइडेशन 7। तो मैं क्या करना, सबसे पहले फर्स्ट -7 है, सॉरी, ओके -7, ये 7। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, किसको करेंगे? इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में बताया था कि हम डिवाइड करेंगे प्लस का माइनस में, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। ओके, तो इसको हम यही सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा? -7 डिवाइडेशन -7, ये आएगा ना। अब इन दोनों का करना है हमें, क्या करना है? इन दोनों का, इन दोनों करने के लिए हमने क्या बताया? -7 अपॉन -7 माइनस कैंसिल, क्या आया आपका? 1, क्या आया? 1। मैंने क्या बताया था, मैं इसको हमने इस पार्ट को हमने सॉल्व किया, 7 7 जो 49 माइनस का 7 आया, क्यों आया? क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस 7। इसके बाद -7 इसको डिवाइड डिवाइड किया तो ये 1 आया, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, ये प्लस का 1, 7 बन जा 7। ओके, इसे नोट करो। नेक्स्ट एंड इसके अदर क्वेश्चंस हैं, वो व्हाइट बोर्ड में आपको मैं लिखता हूँ, तो उनको नोट नोट करें और सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर उसको पेयर करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व किया। इसी टाइप से आपकी सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड अब फोर्थ पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या करना है आपको? -11 प्लस -5 है, इसको हम प्लस करेंगे तो -16 हो जाएगा, क्या जाएगा? -16 डिवाइड से लगाएंगे तो इसमें क्या आएगा? -3, क्या आएगा? -3 आएगा, -2 आएगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, तो क्या आएगा? +2। तो +2 आएगा, 2 और 16 इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से 16 को, तो -8। ओके, आप मैंने आपको हिंट दिया है, आप सॉल्व करना। थर्ड में 45 डिवाइड 9 -36 डिवाइड 9, तो 9 का डिवाइड 36 में करोगे, इसमें करेंगे, इसमें क्या आएगा? -4, इसमें 5, माइनस माइनस आप प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे तो 4 और 5 क्या आएगा? 9। ओके, फोर्थ में -56 डिवाइड 8, तो 8 7 जा 56, 7 और ये 1, क्या आएगा? 1, तो 1 का डिवाइड 1 से प्लस कर दो, 8 आ जाएगा। ओके, तो ये आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, पहले लो इसको नोट कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके, ये देखो, इफ ए इक्वल टू 24, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 4, ये कर वेरीफाई करा रहा है दैट द
वेरीफाई वेरीफाई के कल्याण में ए बी प्लस सी नॉट इक्वल ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। ओके इसको हम सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल 24 डिवाइड सन बी इज इक्वल टू 8 और प्लस सी इज इक्वल टू 4। यही है आपका यही है तो हमने ये नोट इसमें नोट किया। आगे देखते हैं ए डिवाइड कितना हमारा 24 डिवाइडेशन बी कितना है 8 प्लस ए डिवाइड 24 डिवाइड 4। ये दिए जाए सारे चेक कर लेना एक बार। 324 डिवाइडेशन 12 इक्वल टू इसका 8 3 उसका डिवाइजन कर लेंगे क्या है ना ये 3 का 24 3 और 4 6 का 24 ये होगा इसका सॉल्विंग। जब देख लो आप इसे 24 और 8 तो ये 3 का ये क्या 24 अपॉन 4 6, ओके ये कितना है आपका 12 12 24 करेंगे तो क्या आएगा 2 12 2 24 ये कितना हुआ 9। क्या ये LHS इज इक्वल टू RS इक्वल है नॉट इक्वल तो यही वो वेरीफाई करा रहा है कि नॉट इक्वल होना चाहिए समझे। इसमें तो हम इसको ये कह देंगे तो वेरीफाई कि आपका हो गया। ओके यही मैं प्रेफर करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सॉल्व करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 अब क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या लिख रहा है राइट फोर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए वी सच दैट ए डिवाइड बी इज इक्वल टू -4 का सॉल्यूशन आ गया है। हम कितने जा रहे हैं फोर पेयर्स। पेयर्स मींस क्या होता है पेयर्स मींस क्या होता है मतलब दो डिजिट एक टू डिजिट आना चाहिए। पेयर्स मींस जोड़े में किसमें जोड़े में तो फोर पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इस टाइप से ए बी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सच दैट डिवाइड बी इक्वल टू -4। कैसे पेयर्स करेंगे हम इसके हम पेयर्स कैसे बनाएंगे इसका -4 आया आंसर क्या है आंसर -4 तो फर्स्ट लेते हैं हम क्या -8 एंड 2 क्या लेते हैं हम -8 एंड 2 क्योंकि बिकॉज -8 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू -4 नहीं टू पेयर्स लिए क्या हुआ क्योंकि -8 डिवाइडेड 2 2 का हमने डिवाइड किया 8 में तो क्या आएगा -4 हमें ये लाना है। ऐसे पेयर्स होना चाहिए जो आंसर है क्या है -4। ओके तो ये फर्स्ट पेयर्स सेकंड
एंड माइनस टू, एट एंड माइनस टू बिकॉज एट डिवाइड बाय माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर, इसका भी क्या आएगा माइनस फोर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है। थर्ड ट्वेल्व माइनस थ्री ट्वेल्व का डिवाइड करेंगे हम माइनस थ्री से, क्या आएगा माइनस फोर, फोर माइनस ट्वेल्व थ्री, बिकॉज माइनस ट्वेल्व डिवाइड थ्री माइनस फोर, पेयर्स आपको कौन कौन से बने, फोर फोर पेयर्स माइनस एट टू, एट माइनस टू ट्वेल्व माइनस थ्री एंड माइनस ट्वेल्व थ्री, फोर पेयर्स। ये आपका आंसर है। और इस टाइप से भी अदर्स क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं ये क्वेश्चन बना दिया, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाओ उसको भी सॉल्व करो आंसर को, ओके इसको नोट करो। फाइव लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन फाइव में आपको क्या करना है, गिव थ्री एग्जांपल्स, थ्री एग्जांपल्स हैं टू प्रूव दैट, जिससे क्या प्रूव होगी, इफ यदि पी एंड क्यू आर टू इंटीजर्स देन पी डिवाइड क्यू इज नॉट नेसेसरी एंड इंटीजर्स। मैंने आपको बताया इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं, मैंने बताया होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये आपके इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, बट डेसिमल्स नंबर्स नॉट, या फ्रैक्शन नंबर्स नॉट इंटीजर्स नंबर। जैसे कि थ्री एग्जाम्पल पूछ रहा है, जैसे हम इसको लिखते हैं थ्री अपॉन सेवन, टू अपॉन फाइव, वन अपॉन माइनस नाइन, ये हमने थ्री एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉट एंड इंटीजर्स क्यों नहीं है, मैंने भी आपको बताया कि होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये सारे मिलकर इंटीजर्स नंबर बनाते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ना ये तो ये नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना ये आपके नेचुरल है, ये डेसिमल्स नंबर्स हैं, आप डिवाइड करेंगे तो आपको इसे डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो ये थ्री एग्जाम्पल इसके नॉट एनर्जी है, नॉट एंड इंटीजर्स, इसलिए आप इसे नोट करें और ये ध्यान रखें कि इंटीजर्स नंबर्स वही होंगे जो मैं बार बार बोल रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल होल नंबर्स, इसके एक्स्ट्रा जो होंगे वो नहीं होंगे। रिएक्शन फिनिश, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके। और जो भी डिस्कस करना है आप पेरेंट्स करें, पेरेंट्स हमें कमेंट करें, आप करें, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगी।